जगदलपुर के लालबाग में पिछड़ा वर्ग द्वारा महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। हालांकि इस बीच पिछड़ा वर्ग के लोगों ने 27% आरक्षण और पेसा कानून का लाभ दिए जाने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यक्रम को छोड़कर सर्किट हाउस के लिए निकल गए। आरक्षण की बात है तो आरक्षण में हाई कोर्ट में जो क्वांटिफाइबल डाटा है उसे एकत्रित हम लोग कर रहे हैं पटेल आयोग के द्वारा, और जैसे वो एकत्रित होगा हम हाई कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और वो आरक्षण का लाभ यहाँ लोगों को मिलना शुरू होगा। सर, आपके आश्वासन को देखकर जनता यहाँ से उठकर चले गई है, आप जब संबोधन कर रहे थे नाराजगी देखने को मिली। देखिए, वो कुछ लोगों की ये मन में यही है कि इसमें कोई प्रदेश स्तर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, इसे दूर करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ लोग अपनी बात कहे और उस बात को क्लियर करने की आवश्यकता है और उसे बताने की आवश्यकता है। बहुत लंबे समय से पेशा एक्ट के बारे में चर्चा हो रही थी और इस कारण से अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्तर में भ्रांतियाँ हैं। अब उसे कौन फैला रहे हैं सर? बहुत सारे लोग हैं, जैसे कुछ अब वो तो खोजना पड़ेगा, लेकिन ये है वो कौन है उसे खोजने के बजाय अच्छा ये होगा कि लोगों के बीच जाकर उसे समझाने के, ये ग्राम सभा ही है, ग्राम सभा में पेशा कानून में ग्राम सभा सबसे मजबूत उसकी इकाई माना गया है और वहीं से गांव के बारे में सारे फैसले होते हैं, ये जानकारी हमको देना होगा। मांग पूरी नहीं होने पे तो थोड़ा नाराजगी महसूस होती है, लेकिन ये लड़ाई कोई एक दिन का लड़ाई नहीं है, आज लंबा हम सन 2012-13 से लड़ते आ रहे हैं। हमारी और भी सभा होगी, इसके बाद हमारा धमतरी टारगेट है, सरगुजा टारगेट है। हमारी अगर मांग पूरा नहीं होती है तो पिछड़ा वर्ग अब आर पार की लड़ाई लड़ेगी, किसी के सामने झुकेगी नहीं। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। आरक्षण